अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 अप्रैल को 2017 को देखिए उड़ीसा में बीजेपी का जैसे अभी जो बैठक हुई थी और उसके बाद ये उड़ीसा में जैसे इलेक्शन आने वाले हैं उसी लिए 2019 में जो इलेक्शन है उसी के लिए जो बैठक हो रही बीजेपी में, तो एक इवेंट हुई थी उसमें 16 फैमिली को इन्होंने फैसिलिटेट किया था, ऑनर किया था, और ये लोग सब रिलेटेड है किससे, पाइका रिबेलियन से। तो पाइका रिबेलियन से रिलेटेड दो तीन फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जानने सभी को, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट पीसीएस की। तो इसमें देखिए पहली बात तो ये कि पाइका रिबेलियन ये 1817 में हुआ था उड़ीसा में, और ये हुआ किससे था, ब्रिटिशर्स उस टाइम पे जैसे अपना रिवेन्यू सिस्टम 1803 में जब ये स्टार्ट कर रहे थे, और उसके बाद ये देखिए दो तीन चीज़ें याद रखनी जरूरी। पहली बात तो ये कि बक्सी जगबंधु बिद्याधर मोहपात्रा ये जो नाम है ये पाइका रिबेलियन से एसोसिएटेड है। ये क्या थे, ये मिलिट्री चीफ थे, किंग ऑफ ये खुर्दा थे। ये देखिए खुर्दा नाम की जगह ये दी गई थी, खुर्दा में जो लोग पाइकाज लोग रहते थे उनको उनकी मिलिट्री सर्विसेज के लिए दी गई थी फ्री में, लेकिन ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, वो रिवेन्यू सिस्टम के तहत उनसे रिवेन्यू वसूलना चाहती, तो इसीलिए विद्रोह कर दिया था उड़ीसा में। और छोटे से ये पाइका रिबेलियन था, छोटा सा लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये मतलब छोटी सी इनकी आर्मी थी, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की फोर्सेज है उनको रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया, उनको मतलब भगा दिया था वहाँ से छोटी सी फोर्स ने भी। तो ये लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया हिस्ट्री में, वही प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोल रहे थे कि हिस्ट्री के जो हमारा इंडिपेंडेंस है जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कई सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, लेकिन हमने सभी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। और इसीलिए जैसे 1817 को ये हुआ था पाइका रिबेलियन और अभी 200 साल हो गए हैं, तो ये पहली बात याद रखनी है कि 200 साल हो गए हैं पाइका रिबेलियन, उड़ीसा में हुआ था ये, और ये खुर्द का किंग थे ये बक्सी जगबंधु विद्याधर, इनकी लीडरशिप में इन लोगों की छोटी सी आर्मी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया था, क्योंकि ये लोग रिवेन्यू सिस्टम वहाँ पे लगाना चाहते थे 1803 से स्टार्ट करके, और लेकिन जो वहाँ पे उनको लैंड दिया गया था वो रेंट फ्री था, और उसी को अब रिकॉग्नाइज किया है, उसी के 16 फैमिली को उन्हीं लोगों से रिलेटेड भुवनेश्वर में इन्हीं के लोग 16 फैमिलीज को ऑनर किया गया। तो ये दो तीन फैक्ट याद रखिएगा, पाइका रिबेलियन उड़ीसा 1817 200 साल हो गए, और प्लस बक्सी जगबंधु विद्याधर मोहपात्रा और ये किंग ऑफ खुर्दा थे।